अक्सर आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी सैनिकों का जिक्र करते हैं, और सैनिकों का जिक्र कौन करे जो जिनके लोग रोज सिर काटे जा रहे हैं। शहीद नरेंद्र सिंह अभी अभी शहीद हुआ देश के लिए, तो अर्ध सैनिक बलों की मीडिया को भी हम इस मामले में बहुत दुख की बात है कि सेना तो बैरिक में है, बॉर्डर पे बीएसएफ आईटीबी पीएसएसबी के हिमवीर है, धधकते कश्मीर में रोज सीआरपी के जवान मर रहे हैं, और सत्ता पक्ष और मीडिया चिल्ला रहा सेना ने वो कर दिया, सेना ने वो कर दिया। सेना तो बैरिक में है, बॉर्डर पे बीएसएफ के जवान आईटीबीपी के एसएसबी के जवान हैं। हम मांग करते हैं माननीय मोदी जी, आने वाले 13 दिसंबर को हम एक बार फिर से संसद मार्ग पे आएंगे, देश के लाखों और सैनिक परिवार और सरकार को चेताएंगे, और उस दिन डिसीजन होगा, तय होगा कि वोट कौन पार्टी को दिया जाए। क्योंकि हमने माननीय गृह मंत्री को भी मेमोरेंडम दिया, प्रधानमंत्री जी के दोस्त हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के माध्यम से भी हमने आवाज लगाई मनोहर लाल खट्टर जी के, आप माननीय मोदी जी तक हमारे प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात करवाएं। ये बात हमने जो 22 सितंबर जो पीछे अगस्त गया उसमें हमने गृह मंत्री जी को भी कहा कि अगर आपसे हमारी मांगे अर्ध सैनिक बलों की नहीं हो सकती तो प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात करवाई जाए, और बॉल सत्ता पक्ष के पाले। फैसला 13 दिसंबर को, आप बोलेंगे 13 दिसंबर क्यों? क्योंकि देश की संसद को सीआरपीएफ के बांकुरों ने 13 दिसंबर को बचाया था, और उस दिन हम भी संसद मार्ग पे होंगे और 5 कदम की दूरी पे माननीय मोदी जी होंगे, उन तक आवाज उस दिन तो धड़ल्ले से जाएगी, और एक देश में एक नई दिशा लहर चली है कि अब सेना 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 नहीं, 20 लाख अर्ध सेना की बात होनी चाहिए। ये आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक संसद मार्ग से बात पहुंचे।